Good morning, everyone. My name is Sonam, Assistant Professor in RPIIT Medical and Technical Campus. Today, I am discussing the topic respiratory disorder. So, firstly, introduction. Respiratory tract disorder is two types, upper respiratory tract disorder and lower respiratory tract disorder. Upper respiratory tract disorder include tonsillitis, colonal atresia, epistaxis, aspiration. And in lower respiratory tract disorder include bronchiolitis, bronchopneumonia, asthma, cystic fibrosis. Next, first we are discussed about the topic tonsillitis. What is tonsillitis? Inflammations of the tonsil and especially the palatine tonsil. इसमें क्या होता है, हमारी सबको पता है हमारे थ्रोट में टॉन्सिल्स होते हैं, दिस इज नॉर्मल. सो इसमें क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं उनकी क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाती है. उन टॉन्सिल में प्लेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है. और जो इन्फ्लामेशंस होते हैं, उस इन्फ्लामेशन होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, जो ये इन्फ्लामेशन होती है टॉन्सिल्स की, ये किसके कारण होती है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से. क्या होती है, हमारे जो प्लेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है. इन्फ्लामेशन होने के बाद इन टॉन्सिल्स में क्या चेंज आते हैं, रेड एंड लार्ज टॉन्सिल यूजली विद सोर थ्रोट. मीन्स क्या है, गले में खारिश हो जाती है, फीवर बुखार हो जाएगा, डिफिकल्ट स्वालोइंग निगलने में प्रॉब्लम होगी, होर्सनेस आवाज में भारीपन आ जाएगा और लॉस ऑफ वॉइस, हो सकता है वो बोल भी ना पाए. एंड टेंडर और स्वॉलन लिम्फ नोड, और जो हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं वो उनमें अकड़न फील होगी और वो स्वेलिंग कर जाएंगी, सूज जाएंगी. दिस इज टॉन्सिलाइटिस. नाउ टॉन्सिलाइटिस इज टू टाइप, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस. सो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इज थ्री टाइप, कैट्रल टॉन्सिलाइटिस, फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस एंड पैरेन्काइमेटोस टॉन्सिलाइटिस. कैट्रल टॉन्सिलाइटिस इट यूजली प्रेजेंट विद यूआरआई एंड मीजल. जो कैट्रल टॉन्सिलाइटिस होता है ये क्या होता है, नॉर्मली मीजल्स खसरा और यूआरआई के साथ प्रेजेंट होता है. यूआरआई होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ. इट इज लीस्ट सीवियर फ्रॉम एंड मैनिफेस्टेड एज रेडनेस एंड शॉर थ्रोट. ये क्या होता है, बहुत सीवियर स्टेज होती है. इसमें क्या होता है, रेडनेस आ जाती है पूरे के पूरे गले में और हमारे पूरे गले में खारिश हमें फील होती है. नेक्स्ट इज फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस में क्या होगा, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिप्टस. क्रिप्टस जो आसपास के उसका एरिया है, विद डिस्क्रीट येलो पैचेस ऑन एक्जुडेट. इसमें क्या आता है, जो हमारा वो है गला है उस पर क्या आएगा, आसपास का एरिया भी इन्वॉल्व कर लेगा और उसमें क्या होगा, आपको येलो कलर की एक प्लेक नजर आएगी टॉन्सिल्स में. जो टॉन्सिल्स होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि रीजनल ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं. दिस इज फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस. नेक्स्ट आता है हमारा पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस. पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस में क्या आता है, देयर इज कंजेशन एंड स्वेलिंग ऑफ एंटायर थ्रोट. इसमें पूरा का पूरा जो गला होता है हमारा जकड़न में चला जाता है, पूरे गले में स्वेलिंग हो जाती है, हम कुछ भी निगलने के योग्य नहीं रहते. नाउ पेरिटॉन्सिलर अब्सेस, इट मे डेवलप इन बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें डेवलप होंगे. इसमें क्या होता है, द चाइल्ड मे प्रेजेंट विद ट्राइसमस एंड मफल्ड वॉइस विथ पुअर ओरल इनटेक. इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उसकी आवाज मफल्ड आएगी एंड वो क्या है, जो भी खाना खाएगा ओरली नहीं खा पाएगा, बहुत ही कम इनटेक लेगा, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा उसको जब वो निगलेगा खाना अंदर लेके जाएगा और ओपनिंग ऑफ द माउथ, और माउथ जब वो खोलेगा तो उसको बहुत सारा पेन होगा, जिसकी वजह से उसको हाई फीवर हो सकता है. ऑफेंसिव ब्रेथ मीन्स उसके माउथ से आपको थोड़ा सा गंद वाली ब्रेथ आएंगी. एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड, जिसकी लिम्फ ग्लैंड होती है वो क्या होंगे, एनलार्ज उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा. ओटैलजी होता है, ईयर पेन उसको फील होगा. ऑन एग्जामिनेशन ऑफ थ्रोट, जब हम थ्रोट का एग्जामिनेशन करेंगे उस टाइम पे आपको देखने को मिले कि यूनिलेटरल बल्ब इज द सॉफ्ट प्लेट एंड पेरिटॉन्सिलर रीजन विद वल्वर डेविएशन टू द अपोजिट साइड आर सीन. नेक्स्ट क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस. क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस इज थ्री टाइप, फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस,
पेरिकाइमेटस टॉन्सिलाइटिस एंड फेब्रॉइड टॉन्सिलाइटिस। क्रॉनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, जो टॉन्सिलर होते हैं क्रिप्ट आर फुल ऑफ इन्फेक्टेड चीजी मटीरियल विच शो ऑन द सरफेस एज येलोइश स्पॉट। इसमें क्या होता है, येलो स्पॉट्स तो हमारे